भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और राजस्थान को मानसून की बारिश के लिए जुलाई तक इंतजार करना होगा। IMD ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अम्बाला और अमृतसर से होकर गुजरती है। IMD ने एक बयान में कहा कि मौजूदा मौसम संबंधी स्थितियां और पूर्व अनुमानों से संकेत मिलता है कि अगले सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून के राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के विशेष हिस्सों में बढ़ने की संभावना नहीं है। बयान के मुताबिक 30 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। IMD ने ये भी कहा कि भारत में अब तक मानसून के मौसम में 28% अधिक बारिश हुई है। 23 जून तक 145.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 114.2 मिलीमीटर। बारिश नहीं होने की वजह से उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। IMD ने कहा कि देश में किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है, पहले थी ये संभावना। बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली में मानसून के 12 दिन पहले यानी कि 15 जून तक पहुंचने की संभावना जताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद दिल्ली में 22 जून तक मानसून के दस्तक देने का अनुमान था, लेकिन ये अब तक नहीं हो सका है। इसके पीछे मौसमी परिस्थितियां बताई जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर दिल्ली में जून के अंत तक मानसून आने की संभावना जताई है। देश और दुनिया की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।